और ये फोन लेके वीडियो करने वाला हूँ, ये वीडियो पे मिलियन मिलियन व्यूज जाएंगे, पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो हे गाइस, आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि फोन से ब्लॉग शूट कैसे किया जाता है और हम भी लोग फोन से ब्लॉग शूट कैसे करते हैं। और हम लोगों के पास ना ही कोई माइक है और ना ही कोई आईफोन है, बट उसके अलावा भी हम लोग 4K क्वालिटी में वीडियो शूट करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं सब कुछ इस वीडियो पे बता दिया हूँ। और क्या क्या उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हम लोग कैसे वीडियो शूट करके मिलियन मिलियन व्यूज़ लेकर आते हैं सब कुछ इस वीडियो पे मैं बता दिया हूँ। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना होगा। पहले मैं जाता हूँ बाहर, और अभी मैं घर पे हूँ तो अभी बाहर जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि कैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ। सो मोबाइल से कैसे ब्लॉग किया जाता है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो मैं इस वीडियो पे क्लियर कर दिया हूँ। कैसे आप लोग, बस एक फ़ोन होना चाहिए, कोई आईफोन नहीं होना चाहिए और कोई कैमरा भी दरकार नहीं है और कोई माइक का भी ज़रूरत नहीं है, बट एक फ़ोन लेके आप लोग बड़े आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट आपको अपना फ़ोन पकड़ने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। जैसे कि अगर आप फ्रंट कैमरा से कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें ऐसे वीडियो करना, हाथ को देख लो, जस्ट ऐसे वीडियो करना आप लोगों को। और अगर सामने वाले को किसी को दिखाना है तो आप जस्ट हाथ ऐसे करके आप लोग वीडियो कर सकते हो, तो ऐसे आगे और पीछे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर वाइज आप लोग फ्रंट कैमरा से ऐसे वीडियो करते हो तो अगर उधर को किसी को दिखाना रहेगा तो आपको पूरा ऐसे घूमना पड़ेगा। तो अगर घूमना नहीं है ऐसे तो आप लोग को वीडियो बस ऐसे करना है, आपको फ्रंट कैमरा से नहीं करना। और ये क्वालिटी इसका बहुत मस्त रहता है, 50 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है। तो आप लोग ऐसे वीडियो करना, और सामने किसी को दिखाना होगा तो जस्ट ऐसे फ़ोन को घुमा देना, ठीक है। और आपको कोई इक्विपमेंट्स का भी दरकार नहीं है, इसका जो माइक रहता है काफ़ी मस्त है, नॉइज़ इसको आप लोग क्रोम में जाके इसको नॉइज़ रिमूव कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से कर लेना। और उसके बाद अगर आप लोग कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्राइपॉड ले सकते हो, जैसा कि आप लोग कुछ दिखा दे रहे हैं। तो जैसा कि गाइस, अगर आप लोग को लेना ही है तो बस ये एक ट्राइपॉड ले सकते हो, जिसका आप लोग अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट में 300-400 के रेंज में मिल जाएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको लगा के अगर आप वीडियो करते हो तो काफ़ी क्वालिटी भी तो वैसे अच्छे रहता है। और जैसे कि आप लोग को अगर दूर में वीडियो करना है तो देख सकते हो, तो अगर आप लोग वीडियो करने के लिए भी अगर ये लेना चाहते हो तो बेस्ट होगा मेरे लिए और आप लोगों के भी लिए, ऐसे करके ये वीडियो कर सकते हो। और इसको घुमाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस ऐसे ही घुमा दोगे तो वीडियो यहीं पे आप लोगों का हो जाएगा मस्त। बस इस ऐसे और ऐसे करके लेना है आप लोगों को, आगे पीछे भी नहीं करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राईपॉड ले सकते हो। और माइक का कोई दरकार नहीं है, फ़ोन का माइक बेस्ट होता है। और अगर आप लोगों का बजट थोड़ा हाई है तो 300-400 के रेंज में एक माइक आता है बोया का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको भी परचेस कर लेना। तो यही था कुछ मोबाइल के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि आप लोग जैसा मैं बताया सेम प्रोसेस आप लोग करना है तभी आप लोग का वीडियो मस्त होगा। और एडिटिंग कैसे करना है उसके लिए भी बता दिया हूँ, पूरा वीडियो को एंड तक देखना। एडिटिंग अगर करना है तो काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर या फिर VN या कैपकट एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मोड APK है, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। और सेम प्रोसेस करना है, और वीडियो अपलोड करने का टाइम है शाम को 5 बजे से लेके रात 10 बजे के अंदर। अगर वीडियो अपलोड करते हो तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, और शॉर्ट वीडियो डालते हो तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है उसमें भी, जब भी डालो शॉर्ट। बस आपका कॉन्टेंट के हिसाब से शॉर्ट रहना चाहिए तो मस्त होगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को थोड़ा एक लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से करिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ फिर से और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।